ऑस्ट्रेलिया दौरे में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीतने के बाद अब जो टीम इंडिया के सामने अगला चैलेंज है वो चैलेंज है इंग्लैंड का। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भारत में 4 टेस्ट 5 T20 और 3 ODI की सीरीज खेलने के लिए आने वाली है। और अगर हम बात करें 5 फरवरी से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होना है और इससे ठीक पहले भारत ने पहले 2 टेस्ट मैच के लिए अपनी जो टीम है उसका ऐलान कर दिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इस बार भारतीय जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने एक 18 सदस्यीय टीम चुनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन खिलाड़ी हैं जो इस टीम में रहने वाले हैं। देखिए अगर हम ओपनिंग की बात करें, ओपनिंग में 3 ओपनर्स चुने गए हैं जिसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल रहने वाले हैं। मिडल ऑर्डर की हम बात करें, चेतेश्वर पुजारा रहने वाले हैं, कप्तान विराट कोहली की वापसी हो रही है, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, रिद्धिमान शाह, हार्दिक पांड्या, केएल राहुल। यहाँ पे हार्दिक पांड्या की एक लंबे समय के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी हुई है। तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर रहने वाले हैं। और वहीं अगर हम स्पिनर्स की बात करें तो आर अश्विन, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल रहने वाले हैं। तो जो जो खिलाड़ी पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो खिलाड़ी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में थे या जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलकर आए थे उसमें से रविंद्र जडेजा, हनुमा विहारी और उमेश यादव यहाँ पर जो हम कह सकते हैं इस टीम में जगह नहीं बना पाए। और ये 3 खिलाड़ी सिर्फ इंजरी की वजह से फिलहाल इस टीम का हिस्सा नहीं है। अभी ये जो टीम चुनी गई है पहले 2 टेस्ट मैचेस के लिए चुनी गई है। तो अगर देखते हैं इस टीम को थोड़ा सा एनालाइज करें तो कैसे लग रही है। ओपनिंग में बिल्कुल ये तो तय था कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल रहने वाले हैं। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करने वाले हैं। अगर इन दोनों में से कोई अच्छा नहीं खेलता या कोई इंजर्ड होता है तो फिर आपकी टीम में एंट्री होगी, प्लेइंग 11 में एंट्री होगी मयंक अग्रवाल की। मिडल ऑर्डर काफी ज्यादा हम कह सकते हैं स्टेबल नजर आ रहा है। चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे तो रहने ही थे, सबको पता था। ऋषभ पंत भी रहने वाले थे टीम में, रिद्धिमान शाह भी रहने वाले थे। हार्दिक पांड्या की एक बार फिर एंट्री हुई है और हार्दिक पांड्या को इस बार एज अ मिडल ऑर्डर बल्लेबाज लिया गया है। ये हम सब जानते हैं कि हार्दिक पांड्या अभी गेंदबाजी नहीं कर रहे, जो उनको कमर में चोट लगी थी, जो इंजरी थी उसके बाद से अभी वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, उसके बाद एक बार फिर वो गेंदबाजी करना शुरू करेंगे। तो फिलहाल हार्दिक पांड्या की जो एंट्री हुई है इस टीम में बतौर बल्लेबाज हुई है। केएल राहुल की जो एंट्री हुई है उसके आगे बीसीसीआई की तरफ से जो मेल है उसमें लिखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस आफ्टर फर्स्ट टेस्ट। तो केएल राहुल की जो एंट्री हुई है ये क्लियर एक मैसेज दिया गया है कि केएल राहुल प्लेइंग 11 जो पहला टेस्ट मैच में रहने वाला है उसका तो हिस्सा नहीं होंगे और आगे वो टीम में शामिल रहेंगे कि नहीं ये इसका जो फैसला है पहले टेस्ट मैच के बाद लिया जाएगा। यानी पहले टेस्ट मैच में हम कह सकते हैं उनका एक फिटनेस टेस्ट होगा। जसप्रीत बुमराह 4th टेस्ट मिस किया था ऑस्ट्रेलिया में, उनकी वापसी हुई है। ईशांत शर्मा ने पूरा दौरा मिस किया था, उनकी वापसी हुई है। मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर ये 2 वो गेंदबाज हैं जिन्होंने ब्रिस्बेन में शानदार गेंदबाजी की थी। शार्दुल ठाकुर के नाम 7 विकेट थे तो वहीं मोहम्मद सिराज के खाते में आए थे 6 विकेट। आर अश्विन की एक बार फिर वापसी हुई है, 4th टेस्ट आर अश्विन ने भी चोट की वजह से मिस किया था। यहां एक जो नाम है जो टीम में ऑस्ट्रेलिया में भी थे और उनकी इंग्लैंड के खिलाफ भी चयन हुआ है वो है कुलदीप यादव। ये कुलदीप यादव के बारे में थोड़ी हमें बात जरूर करनी चाहिए क्योंकि 3 महीने वो ऑस्ट्रेलिया रहे, ऑस्ट्रेलिया दौरे में टीम के साथ रहे लेकिन उन्हें सिर्फ खेलने को मिला 1 सिडनी में 1 ODI, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे में 1 ODI उनको पूरे दौरे पे खेलने को मिला, वो भी तब जब आप पहले दो ODIs हार गए थे, उसमें युजवेंद्र चहल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था तो आपने युजवेंद्र चहल के ऊपर आपने कुलदीप यादव को खेला जहां उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की थी, 1 विकेट लिया तो अच्छा परफॉर्मेंस था और वो ODI भारतीय टीम ने जीता भी था। तो अगर अब आप कुलदीप यादव को बतौर स्पिनर एक बार फिर रिटेन कर रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि अगर एक खिलाड़ी को आप लगातार अपने साथ ट्रैवल करवा रहे हैं और कुलदीप यादव एक सीनियर गेंदबाज हैं, वॉशिंगटन सुंदर से तो ऊपर उनकी जगह जरूर बनती है। और जब आर अश्विन इस टीम में आ जाएंगे तो आर अश्विन ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन गेंदबाजी करते हैं, तो मेरे को लगता है इन दोनों में से एक गेंदबाज खेलेगा और दूसरे में आपको जरूर इस बार कुलदीप यादव को मौका देना चाहिए। तो ये तो 18 खिलाड़ी थे जो भारतीय टीम ने इस टेस्ट पहले 2 टेस्ट मैच के लिए चुने। अब मैं आपको बता दूं इस बार कुछ स्टैंड बाय खिलाड़ी भी हैं और नेट बॉलर्स भी हैं, जिस तरह जो ऑस्ट्रेलिया में भी एक भारतीय टीम ने एक नई परंपरा स्टार्ट की है कि आप स्टैंड बाय भी लेके जा रहे हैं, आप नेट बॉलर्स भी लेके जा रहे हैं क्योंकि इस समय कोविड का टाइम है और इंजरीज भी लगातार हो रही है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए स्टैंड बाय रहने वाले मैं आपको बता दूं। देखिए जो पहला स्टैंड बाय खिलाड़ी है वो है KS भरत, विकेट कीपर बल्लेबाज है, अच्छे खिलाड़ी है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस इनका बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद नंबर 2 पर है अभिमन्यु ईश्वरन, ये भी अच्छे बल्लेबाज है, इनका भी जो परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक में अगर हम बात करें पिछले 1-2 सीजन में काफी अच्छा रहा है। शहबाज नदीम भारत के लिए रांची टेस्ट में खेले थे, वहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, तो शहबाज नदीम टीम का हिस्सा रह चुके हैं। एक जो सरप्राइज पैकेज अगर मैं यहाँ कहूँ, राहुल चहर की एंट्री हुई है। राहुल चहर की पहली बार हम कह सकते हैं जो एक टेस्ट क्रिकेट के फॉर्मेट में राहुल चहर को पहली बार रेकन किया गया है। उनका जो हाल में परफॉर्मेंस और सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी काफी अच्छा रहा, 5 गेंदों में उन्होंने 4 विकेट लिए थे, तो राहुल चहर की
एक एंट्री हुई है, क्योंकि आपको जरूर आप चाहते हैं कि एक लेग स्पिनर किसी ना किसी तरीके से आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में आए जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलें। एक प्रियांक पंचाल को भी स्टैंड बाय आपने रखा है, और नेट बॉलर्स की भी इस बार जो लंबी काफी फहरिस्त है उसमें अंकित राजपूत हैं, अवेश खान हैं, संदीप वारियर हैं, के गौतम हैं और सौरभ कुमार हैं। देखिए नेट बॉलर्स भी आप लोग इस बार इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जो आप नेट्स में गेंदबाजी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो वहां पर इस समय जो लोकल जो गेंदबाज होते हैं, जो लोकल जो खिलाड़ी होते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करते, ना ही आप उनकी गेंदबाजी का सामना करते हैं। तो जो इस समय नेट बॉलर्स होते हैं, जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आप दिल्ली में मैच खेल रहे हैं, तो वहां पे जो जितने भी क्रिकेटर्स हैं, वहां पे जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, आप उनसे नेट्स में गेंदबाजी करवाते हैं। लेकिन कोविड का टाइम है तो इस समय आप उनसे गेंदबाजी नहीं करवा रहे, उनसे आप थोड़ी दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि आपकी जो टीम होती है वो पूरी तरीके से बायो बबल में रहती है। तो इसलिए आप लगातार अब नेट बॉलर्स का भी सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आप जरूर चाहते हैं कि नेट्स में आपको गेंदबाज अलग अलग वेरिएशन के गेंदबाज खेलने को मिले। तो ये 18 सदस्यीय टीम है, कुछ स्टैंड वाइज खिलाड़ी हैं, कुछ आपने नेट बॉलर्स रखे हैं जो इंग्लैंड के साथ आपके पहले दो टेस्ट में रहने वाले हैं। तो एक अच्छी टीम नजर आ रही है और हौसले काफी ज्यादा बुलंद है भारतीय टीम के, जिस तरीके से आपने ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को जाकर हराया, तो ये आपका एक एडवांटेज आपको मिला है इस चार टेस्ट मैच की सीरीज से ठीक पहले। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड जब पिछले दौरे पे भी आई थी भारत के, तो वहां पर भी उसको हार का सामना करना पड़ा था। तो ये चार टेस्ट मैच में जहां तक मुझे अगर देखा जाए तो इंडियन टीम का पड़ा इंग्लैंड से काफी ज्यादा भारी है। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरीके से इंग्लैंड ने श्रीलंका में श्रीलंका को जाके पहला टेस्ट मैच हराया, तो वो भी तैयारी करके आ रहे हैं श्रीलंका में जो टेस्ट सीरीज वो खेल रहे हैं उससे उनको भारतीय पिचेस का काफी ज्यादा हम कह सकते हैं अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि श्रीलंका में भी गेंद काफी घूमती है, भारत में भी गेंद काफी घूमती है। अब ये देखना है कि जो सीरीज है इंडियन टीम फेवरेट स्टार्ट करेगी और काफी एक बड़े मार्जिन से फेवरेट स्टार्ट करेगी। अब ये देखना है कि क्या इंग्लैंड की टीम भारतीय टीम को भारत की सरजमी पे कुछ कॉम्पिटिशन दे पाएगी कि नहीं। और मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि चेतन शर्मा जी जो इस बार मुख्य चयनकर्ता है, पहली बार उनकी अगुवाई में ये एक टीम चुनी गई है। उम्मीद करते हैं कि जो चेतन जी ने टीम चुनी है वो टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहे और आगे चल के आप टेस्ट सीरीज जीतें, उसके बाद टी20s में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो और ओडीआई सीरीज भी आप अपने नाम करें।